मैंने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जो 11 तारीख को जो उनकी दो डिमांड है, पहली डिमांड के 11 तारीख को आगरा रोड पर जो देवी यात्रा जा रही थी उनको पत्थर मारा गया, उनके ऊपर कार्यवाही करें। मैं तो पहले उसका खंडन करता हूँ, ऐसी कोई वारदात ही नहीं हुई, मेरा एकदम साफ तौर पर मानना है। जिस वक्त तो वो टाइमिंग बता रहे हैं वो रोजा अफ्तार करने का वक्त था, और ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। बिल्कुल ये कुछ समाज कंटक ने ढोंग रचने का काम किया, मालेगांव शहर को सामने रखते हुए जानबूझकर वातावरण खराब करने का काम किया गया, और उसी दिन रात में जाकर छावनी पुलिस स्टेशन के बाहर पर जो धरना आंदोलन किया गया वो भी एक प्लानिंग के तहत किया गया, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। खुश फैशन मेंस एंड किड्स वेयर की माह रमजान में खास पेशकश, दो जींस खरीदने पर एक जींस फ्री, तीन शर्ट सिर्फ 899 रुपए में और तीन टी शर्ट सिर्फ 449 रुपए में। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाए खुश फैशन मेंस एंड किड्स वेयर। हमारा पता है संकेत एम्पायर सुख सागर होटल के सामने, स्टेट बैंक रोड, मालेगांव। इसलिए पुलिस का कार्रवाई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दूसरा, जो उन्होंने मुझ पर कार्रवाई करने की जो डिमांड की है, जो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आज पत्रकार परिषद लेकर, कि मैंने समाज कंटक का जो शब्द वापरा, ये परंपरा है कि खानदेश के भाग के लोग वो गढ़ के ऊपर कलवन जाते हैं देवी, तो उनका जो भी भक्त बोलेंगे या जो उनकी श्रद्धा है, जो उनकी धार्मिक श्रद्धा है, मजहबी श्रद्धा है, उस हिसाब से वो परंपरा आज से नहीं कई वर्षों से जा रहे हैं। और आप लोगों ने भी देखा, डिपार्टमेंट को भी समझता है कि ये आगरा रोड के ऊपर से जब वो जाते हैं तो उनको पानी पिलाने का काम, उनको चाय नाश्ता करने का काम, उनका स्वागत करने का काम मुस्लिम संगठना और मुस्लिम समाज के लोग हमेशा करते हैं, आपने भी देखा। लेकिन इतिहास में पहली मर्तबा जो आज लोगों ने, जिन लोगों ने पत्रकार परिषद ली, बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने, जो ये मोदी भक्त है, ये देवी भक्त नहीं है, ये मोदी भक्त है, ये सियासत करने के लिए अपना बाह्य मतदार संघ के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये असल में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और जातिवादी शक्तियां के लोग, मैंने खुद रोड के ऊपर बैठ के देखा है कि रथ का स्वागत करने के लिए पहली मर्तबा गए, और मैं वो जो शिरपुर से जो रथ आ रहा था, ये जो उनके साथ जो लोग आ रहे थे, मैं उनको समाज कंटक नहीं बोल रहा हूं, ये लोग समाज कंटक है जिन्होंने आज पत्रकार परिषद ली, और यही लोग शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, और ये जो मेरे ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल मैं तैयार है। पुलिस अगर मुझ पर कार्रवाई करती है तो मैं भी कानूनी तौर पर इनका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। अब इन्होंने छेड़ दिया है, और इसके जो छेड़ा है इन्होंने, ये शहर के अंदर जो लैंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की जा रही है, आने कुछ वक्त के बाद में पत्रकार परिषद लेके शहर की आवाम के सामने के दोनों समाज के अंदर जो समाज कंटक बैठे हुए हैं उनको बेनकाब करने का काम आइंदा मैं करूंगा। और मैं डिमांड करता हूं पुलिस डिपार्टमेंट से कि जो रथ का स्वागत करने गए थे, मैं उन खानदेश के सिरपुर से जो रथ आया, मैं उन लोगों के संदर्भ में मुझे कुछ बोलना नहीं है, वो देवी भक्त तो है लेकिन ये मोदी भक्त है, और जो मुस्लिम समाज के विरोध में जो घोषणा की गई गलत, जो नारे गलत दिए गए, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। पुलिस ने एक एक जो समाज कंटक, जो जातिवादी पक्ष के लोग जो स्वागत करने गए और जो नारेबाजी करते गए यहां पर,
उनके ऊपर भी मैं कार्रवाई की डिमांड कर रहा हूं, मैंने कल भी किया और आज भी कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं ठाम हूं। लेकिन ये शहर को हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर वातावरण खराब करने का काम जातिवादी संगठना और जातिवादी पक्ष कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम इन लोगों को और बेनकाब करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के नौजवानों को और हिंदू भाई को, हिंदू भाइयों के नौजवानों को मैं अपील करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि ये शहर हमारा अपना शहर है। ये सिर्फ राजनीति हो रही है। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर कौन कितनी सीट लाएगा, इसका कॉम्पिटिशन बाह्य मतदार संघ में चल रहा है और इसके लिए सब संयंत्र रचा जा रहा है और हिंदू नौजवानों को यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा और झगड़ा लगाकर, मुस्लिम और हिंदुओं में झगड़ा लगाकर ये राजनीति करना चाहते हैं। तो दोनों समाज के लोगों ने भाईचारा से रहना चाहिए। मालेगांव मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखे, मालेगांव मुस्तफा बंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।